सस्ता बीज अधिक उत्पादन। राम राम किसान भाइयों, आप सभी का आप किसी YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे प्याज की कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में जो काफी कम समय में भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। कुछ ऐसी 5 किस्मों के बारे में हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। किसान साथियों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर लाते रहते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम ढेर सारी जानकारी। साथ ही साथ अगर आप Facebook या Instagram पर हैं तो हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम रोचक जानकारी साझा करते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर, जहां पर पहली किस्म आती है भीमा सुपर, जिसकी समयावधि की बात करें तो यह 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं बात करें इसकी उत्पादन क्षमता की तो यह 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने में सक्षम है। वहीं इसकी भंडारण क्षमता लगभग 2 से 3 महीने के मध्य होती है। अगली दूसरी किस्म आती है भीमा रेड, जिसकी समयावधि की बात करें तो 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं बात करें इसकी उत्पादन क्षमता की लगभग 450 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने में सक्षम है। इसकी भंडारण क्षमता लगभग 2 से 3 महीने के आसपास होती है। वहीं इसके छिकले का रंग लाल होता है। अगली तीसरी किस्म आती है भीमा राज, अगर बात करें इस किस्म की समयावधि की तो यह किस्म 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं बात करें उत्पादन क्षमता की तो लगभग 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने में सक्षम। इसकी भंडारण क्षमता लगभग 2 से 3 माह के मध्य होती है। वहीं छिलके का रंग गहरा लाल होता है। इन तीनों किस्मों को तैयार किया है प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान ने। अगली चौथी किस्म आती है अरका भीमा, अगर इस किस्म की समयावधि की बात करें तो लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं बात करें इसके उत्पादन की तो लगभग 470 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने में सक्षम है। वहीं इसके प्रतिफल का वजन लगभग 120 ग्राम के आसपास तक होता है। इसकी भंडारण क्षमता लगभग 2 से 4 माह के मध्य होती है। अगली और पांचवी किस्म आती है POH1 हाइब्रिड, जो कि लगभग समयावधि की बात करें तो 142 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं बात करें इस किस्म के उत्पादन की तो लगभग 221 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने में सक्षम है। वहीं इसकी भंडारण क्षमता की बात करें तो लगभग आप 4 से 6 माह तक भंडारण के लिए रख सकते हैं। बात करें छिलके की तो छिलके का रंग हल्का लाल होता है। इस किस्म को तैयार किया है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने। किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे प्याज की कुछ हाइब्रिड किस्मों के बारे में। तो इससे पहले अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट के माध्यम से या तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे साझा कर सकते हैं।